Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammed Farhan Khan Abbasi and you are watching Zactive Coaching Center's online session. Students, aaj hum lecture number 5 mein ek theory padhenge realism. Realism is deep rooted in history. Kuch basic concepts realism ke bare mein hum isse pehle ki hum lecture ko detail mein padhein, hum exchange karenge. और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय एनी मींस. तो इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिज्म को अंडरस्टैंड करना बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही ईजी है. दैट कॉमें पावर पॉलिटिक्स करती हैं जब किसी और कॉम या किसी और नेशन स्टेट के साथ इंट्रैक्शन करती हैं. जो नेशन स्टेट्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को ही सिक्योर करती हैं और नेशन स्टेट्स इंटरनेशनल अरीना में किसी और स्टेट के साथ रिलेशन बिल्ड करते हुए सिक्योरिटी डायलेमा या सिक्योरिटी को सामने रखते हैं, अपने मफादात को सामने रखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हैं और उसी को प्रमोट किया जाता है. तो इसका मतलब यह हुआ कि इंटरनेशनल रिलेशन में सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट है, सेल्फिश एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट है और यही वो रीजन है कि तारीख में हमने बहुत जंगें विटनेस की जिसमें World War I भी है, World War II भी है और बहुत सी और वॉर्स हैं. वॉर्स की भी डिफरेंट इकसाम है. इंटरनेशनल रिलेशन में उसकी डिफरेंट जनरेशन के ऊपर जिक्र किया जाता है. वॉर के ऊपर हम एक डिटेल चैप्टर भी पढ़ेंगे अपने इस पूरे सिलेबस में और उसमें हम देखेंगे रियलिज्म की बेसिक फॉर्मल काइंड्स भी उसमें डिफाइन की जाएंगी. फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर क्या है, सेकंड जनरेशन वॉरफेयर क्या है, थर्ड जनरेशन वॉरफेयर क्या है, फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है, आज के दौर में जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या है, आज की टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर क्या, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे. अब वापस आते हैं रियलिज्म के ऊपर. स्टूडेंट्स देखिएगा, इससे पहले कि हम इन डिटेल इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें, थ्योरी को भी अंडरस्टैंड करें, इसके थ्योरिस्ट कौन थे, इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, तो सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे रियलिज्म की. नंबर टू हम देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकली रियलिज्म क्या है. एंड नंबर थ्री हम देखेंगे मॉर्गेंथोस वर्जन ऑफ रियलिज्म जिसके 6 प्रिंसिपल्स हैं. ये लास्ट डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में हम 1970s के बाद विटनेस करते हैं मॉर्गेंथो को, जो कि न्यू रियलिज्म का टाइम पीरियड भी है और यहाँ पर थोड़ा सा रियलिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किसी न किसी हद तक रिकंस्ट्रक्ट भी किए जाते हैं, बट द बेसिक ह्यूमन नेचर से रिलेटेड बात की जाती है. एक इवल एलिमेंट ऑफ सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ नेशन से बात की जाती है, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा. सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशन में कि रियलिज्म है क्या. शोर्स कहा जाता है कि जब आपका आखिर अच्छा तो सब अच्छा, लेकिन इसके बारे में डिफरेंट राय हैं. रियलिस्ट भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं, वो कहते हैं एंड्स जस्टिफाई मींस. फॉर एग्जांपल, स्टेट जब किसी और स्टेट के साथ इंटरनेशनल रिलेशन में, डिप्लोमेसी में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो स्टेट्स मैक्सिमम अपने बेनिफिट को गेन करने की कोशिश करती है और वो बेनिफिट गेन करने के लिए स्टेट कोई भी रास्ता इख्तियार करे, आम अल्फाज में कहेंगे कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करे, लीगल या इलीगल मीन इस्तेमाल करे. अगर वो एंड्स और ऑब्जेक्टिव स्टेट ने गेन कर लिए हैं तो स्टेट के जो मीन्स हैं जिसके थ्रू स्टेट ने वो गेन एक्वायर किए थे वो जस्टिफाई हो जाते हैं. स्टूडेंट्स नॉर्मली हम देखते हैं स्टेटिज्म का कॉन्सेप्ट. स्टेटिज्म का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम में नहीं था. अगर आप ग्रीक की स्टेट्स का कॉन्सेप्ट देखें, एथेंस का कॉन्सेप्ट देखें, स्पार्टन्स का कॉन्सेप्ट देखें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि स्टेट की
शक्ल व सूरत या स्टेट की मुकम्मल किसी हालत में न होना या सॉवरन स्टेट का मौजूद न होना जो उस स्टेट के सब्जेक्ट्स थे उनको इनसिक्योर करते थे। इसलिए सॉवरन स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सरफेस किया गया कि जब एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड हो जाएगा, एक सॉवरन स्टेट बिल्ड हो जाएगी, तो जो सब्जेक्ट्स हैं यानी पॉपुलेशन है, जो उसके आम लोग हैं, उनकी इनसिक्योरिटी मिनिमाइज हो सकती है, क्योंकि स्टेट अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करेगी, एक गवर्निंग का सिस्टम लेके आएगी, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करेगी और अपनी सॉवरेनिटी से अपने मुल्क की मामलात के डिसीजंस लेगी। तो स्टेटिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके बाद फिर स्टेट स्टेट से रिलेशनशिप बनाएंगी। इस कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि स्टेट इज प्री एमिनेंट एक्टर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मीन टू से दैट कि जो दुनिया की पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें स्टेट का मेजर रोल है। जिस तरह हमने अपने लेक्चर नंबर 1 और 2 में देखा था, जब डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को हम पढ़ रहे थे, तो स्टेट का एक मेजर रोल है और स्टेट एक मेजर एक्टर है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये भी हमने देखा था कि अदर देन स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स का बड़ा रोल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रोल है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत रोल है, एजेंसीज का बहुत रोल है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत रोल है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत रोल है, इंडिविजुअल का रोल है, ह्यूमन लेवल पर डिफरेंट सोसाइटीज का बहुत रोल है, सिविल सोसाइटी का रोल है, मीडिया का रोल है, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन का रोल है आज के दौर में इंटरनेशनल रिलेशन में। लेकिन फिर भी जो मेजर एक्टर है वो स्टेट है। लेकिन जब ये अदवार या हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हो रही थी, तो तब स्टेटिज्म का कॉन्सेप्ट बड़ा सामने था कि सिर्फ स्टेट का ही रोल है। दूसरी बात वो करता है, स्टेट सॉवरन होती है, तो स्टेटिज्म का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि स्टेट जो भी डिसीजन ले वो फाइनल समझा जाता है। एक सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट आया, इसको 4S ऑफ स्टेटिज्म भी कहा जाता है, कि जब आप अपने सर्वाइवल की बात करते हैं, अपनी बका की बात करते हैं, उसके लिए भी किसी स्टेट का होना जरूरी है। और सेल्फ हेल्प का भी एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, यानी इंटरनेशनल अरीना में स्टेट्स दूसरी स्टेट्स को उस तरह से सेव नहीं कर सकती, उस तरह से उनको सिक्योर नहीं कर सकती, हर स्टेट को अपनी सेल्फ हेल्प खुद करनी है। और ये बड़ा एक मेजर टीनेंट भी है रियलिज्म का, और एवोल्यूशनरी जो ग्रोथ हुई है रियलिज्म के कॉन्सेप्ट में, उसमें भी सेल्फ हेल्प आज तक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक कॉर्नरस्टोन समझा जाता है रियलिज्म की फिलोसफी में। एज वेल एज क्लासिकल रियलिस्ट बिलीव दैट देयर वॉज नो परमानेंट सोल्यूशन द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और वो सोल्यूशन इसलिए नहीं है कि हर स्टेट अपने इंटरेस्ट को परसू करती है, और इसी वजह से द वॉर इज इनएविटेबल, जंग यकीनी है। आज आप कुछ अरसे के लिए जंग के खदशात को रोक सकते हैं, लेकिन जंग फिर भी आपके इर्द गिर्द कहीं है, क्योंकि एक स्टेट दूसरी स्टेट से बाजकत इनसिक्योर फील करती है तो जंग की तैयारी करती है। और बाजकत जो लार्जेस्ट स्टेट्स होती हैं वो अपने लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को परसू करने के लिए वॉर वेज कर सकती है। स्टूडेंट्स, एक और कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन का जो मेजर यहाँ पर हम चीज डिस्कस करेंगे, वो कहता है कि जो ये एवोल्यूशनरी फेज है रियलिज्म का कॉन्सेप्ट, या ये जो माइंडसेट है जिसके बारे में हमने अपने एक लेक्चर में डिस्कस किया, थ्योरी एंड अप्रोच वाले लेक्चर में, कि अप्रोच या थ्योरी बिल्ड क्यों करती है किसी भी थिंकर, किसी भी इंटेलेक्चुअल, किसी भी स्कॉलर के माइंड में, तो उसकी एक परसेप्शन होती है अपनी, उसका एक अपना नजरिया होता है चीजों को देखने का। तो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी बहुत पुराने हैं, अराउंड 400 BC में अगर आप देखें तो थोसेडाइडस इसके बारे में पेलोपोनेशियन वॉर से रेफरेंस देते हैं और बताते हैं कि क्यों एथेनियन ने मेलियन के ऊपर अटैक किया, और जो उसमें एक कंप्लीट डायलॉग है जिसमें वो मेलिन को सरेंडर होने का कहते हैं, और उनको कहते हैं कि चूंकि तुम्हारे पास ताकत नहीं है, क्योंकि तुम हमसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं है, इसलिए तुम सरेंडर करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट तुम जिस सोसाइटी को डेवलप कर चुके हो अपने मेलिन सोसाइटी को, इसमें तुमने जस्टिस भी दिया है, इसमें तुमने लोगों के वेलफेयर भी की है, इसमें तुम एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और गवर्नमेंट को भी लेकर कर चल रहे हो, लेकिन तुम्हारी गलती ये है कि तुमने ताकत नहीं बनाई, तुमने आर्मी नहीं बनाई, और तुम पीसफुल तरीके से इस इंटरनेशनल अरीना में चलना चाह रहे थे, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि तुमने पावर
के कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया, नाउ वी आर पावरफुल और अब आपको सरेंडर करना पड़ेगा। वो कि इस वॉर में आगे जो स्पार्टन्स भी फिर आते हैं, वो भी एथेनियंस से लड़ते हैं, तो ये एक पूरी एक हिस्टोरिकल जो पेलोपोनेशियन वॉर के डिफरेंट हमें हिस्टोरिकल पेजेस मिलते हैं, हिस्ट्री में डिफरेंट चैप्टर्स हम पढ़ते हैं जिसको थोसेडाइडस एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें ये पावर का कॉन्सेप्ट, सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट और पर्सनल इंटरेस्ट यानी नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। थोसेडाइडस फोकस्ड अपॉन द कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन अमंग ग्रीक सिटी स्टेट्स, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। अकॉर्डिंग टू हिम द स्टेट्स वर अनइक्वल इन टर्म्स ऑफ पावर। ऑब्वियसली बात है, जब अनइक्वल या इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पावर आती है तो फिर जंग इनएविटेबल, यकीनी हो जाती है। और थोसेडाइडस इसके जिक्र अपनी एक थ्योरी जिसके लिए वो बड़े मशहूर भी है, पावर ट्रांजिशन थ्योरी में भी करते हैं। और वो बताते हैं कि बाज का बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट भी आ जाए और स्टेट्स बराबर भी हो जाए तब भी जंग का खतरा रहता है। और ये थोसेडाइडस इसी बात पे एम्फसिस करते हैं जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का एक कॉर्नर स्टोन है, दैट वॉर इज इनएविटेबल। आप वॉर को डिले तो कर सकते हैं कुछ डिकेड्स, कुछ सालों के लिए उसको अपने से दूर तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जंग का खतरा आपके ऊपर हमेशा रहता है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो वॉर को किसी भी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकती। और यही वजह है कि 406 BC से लेके आज तक हमने बहुत सी जंगें विटनेस की। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में अगर हम देखते हैं तो एक जो ट्रेडिशन ऑफ रियलिज्म है, ये स्कूल ऑफ थॉट है, ये डीप रूटेड है इन डिफरेंट हिस्टोरिकल राइटिंग्स। और क्लासिकल रियलिस्ट यानी कि जो पुराने रियलिस्ट, शुरू के रियलिस्ट में थोसेडाइडस आते हैं, वो बिलीव ये करते थे कि देयर इज नो परमानेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड वॉर। थोसेडाइडस कहते हैं द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव द पावर टू डू एंड द वीक एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट। ये बड़ा सिंपल सा है, दैट माइट इज राइट, यानी स्ट्रॉन्गर वही करेगा जितनी ताकत है उसके करने की, लीगल है या इनलीगल, और जो वीकर है उसको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बाय एनी मींस, अगर उसने सरवाइव करना है, अगर सबऑर्डिनेट करके सरेंडर करके भी करना है। और यही इंटरनेशनल अरीना में रियलिस्ट प्रोजेक्शन है कि जो पावरफुल कॉमें हैं आज के दौर में 2018 में इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में भी ऐसा ही हो रहा है, जो स्ट्रॉन्गर है वो अपनी मोनोपोली को इन्फोर्स करता है और वीकर जो है उसको उसको एडहेयर करना पड़ता है। अब सर्वाइवल के लिए ऑब्वियसली बात है स्टेट्स को सरेंडर करना पड़ेगा, या फिर स्टेट के पास एक और ऑप्शन है कि वो भी स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश करें, वो भी आर्मीज डेवलप करें, वो भी जो आर्मामेंट की एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको अवेल करने की कोशिश करें, वो भी अपने